छुपा छुपी का खेल कब तक आप खेलते रहेंगे? नहीं, आप जब उसमें शामिल हुए उस टाइम में आप रो रो कर बोल रहे थे लोगों को कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं इसलिए MIM में आ गए। नहीं, मेरे साथ मैंने जो पार्टी छोड़ा हूँ, ये पार्टी के अंदर मेरा ये मकसद, मेरे पे भी कॉन्फिडेंस था, मैंने लोगों का काम किया था, मुझे अपने काम पे भरोसा। सानू पठान तुम्हारे हर काम में बांधा डाल रहे थे, उस टाइम में आप जो है बुराई कर रहे थे, अभी आप तारीफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, तारीफ की मामला आप है, आज भी दे दिया है क्या? आज भी वो मेरा छोटा मिल गया है क्या? आज भी मेरा छोटा भाई है, और जब भी था आपको कोई पॉकेट तो नहीं मिला? नहीं, मैं सिर्फ आया हूं, ने पॉकेट तो नहीं दिया आपको, सिर्फ जितेंद्र रावत की मोहब्बत में आया। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स में आमने सामने में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्हें आप सब जानते हैं, ये भी जानते होंगे सियासत राजनीति में लोग बहुत कुछ खो देते हैं और बहुत कुछ पा भी लेते हैं। आज हम बेग साहब से जानेंगे वो अपना घर वापसी क्यों किया है। तो हम सबसे पहला बात करते हैं, बेग साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपने मुझे इस स्टेडियम में बुलाया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आपने अपने स्टेडियम में बुलाया है। बेग साहब, सबसे पहला आपसे सवाल है कि आप मुमरा को किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं? इस मुमरा शहर के अंदर हम लोग 30-35 साल हो गए, इस शहर से हमारा रिश्ता रहा है, और जिस शहर के अंदर इतना रिश्ता है तो उस शहर से उसकी मोहब्बत रहती है। और पिछले साल 25-30-35 साल से इस शहर के लिए, शहर हमारा शहर है और शहर से हमारी मोहब्बत रही है। कभी NCP को छोड़ देते हैं आप जो है, कभी MIM में चले जाते हैं और MIM से फिर आप जो है NCP में चले आते हैं, ये छुपा छुपी का खेल कब तक आप खेलते रहेंगे? पिछले 5 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के से नगर सेवक था, और राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर मैंने जो काम किया है वो सब लोग जानते भी हैं, लेकिन कुछ आपसे इख्तलाफात की वजह से मैं सन 2017 के जो महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर मैंने राष्ट्रवादी पार्टी से अलग हो गया था। लेकिन जब मैं 2017 के बाद पार्टी से अलग हुआ, अलग होने के बाद मैं दूसरे MM पार्टी से जुड़ा था, लेकिन जो संगठन के अंदर जो काम करने का जो लुत्फ, जो हौसला राष्ट्रवादी पार्टी से था, वो MM आने के बाद नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी संगठन नाम की चीज़ है ही नहीं। बेग साहब, आप कह रहे हैं जो है कि NCP को मैंने छोड़ा, MIM में गए, लेकिन उसमें काम करने को जो मिलना चाहिए, जो संगठन थी वो नहीं मिली, तो यानी आप फिर NCP को छोड़ा ही क्यों? देखिए, ऐसा है जब कोई इख्तलाफात होते हैं तो अगर मेरा किस पार्टी से थोड़ा बहुत इख्तलाफात था, लेकिन आने के बाद जब मैं एक काम करने वाला हूँ समाज के अंदर, एक काम करने का मेरा एक सोच रहता है और एक सोच के साथ मैं काम करते रहता हूँ, एक विजन लेके काम करते रहता हूँ। वजह क्या रही है छोड़ने की, NCP पार्टी को छोड़ने की वजह क्या रही है, आप ये बताइए। लोग जो है ये जानना चाहते हैं कि बेग साहब ने पहले NCP में जो है नगर सेविका रही हैं, आपके जो है जो वाइफ है वो नगर सेविका रही हैं, और उसके बाद आपने जो है NCP को छोड़कर जो है MIM में चले गए, वजह क्या है वो लोग जानना चाहते हैं। मैं 2017 के इलेक्शन के अंदर आपसी थोड़ी इख्तलाफात की वजह से मैंने पार्टी छोड़ा था, शानू पठान के इख्तलाफात की वजह से मैंने पार्टी छोड़ा था। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद जो मेरे को काम करने का मेरा एक सोच था, और जो मेरे लोगों के अंदर काम करने का मेरा एक जज्बा था, तो मैं अपने ऑफिस से काम कर रहा हूँ। लेकिन जो बाहर निकलने के बाद समाज में जो काम करने का जो हौसला संगठन से मिलता है, वो MM में पार्टी में रहकर कोई संगठन से मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए मैं अपने ऑफिस से ही काम कर रहा। मतलब MIM जो छोड़े हो वहाँ पर कोई मतलब संगठन सही नहीं था, मजबूत नहीं था? हाँ, कोई संगठन ही नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसा कोई ऐसा है ही नहीं कि जो है तो ज़मीनी लेवल पे काम करना चाहता है। जितने भी लोग इसके अंदर से जुड़े हुए हैं सब बैनर व्हाट्सएप और फेसबुक वाले, कौन लोग जुड़े हुए हैं? जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। कौन से पार्टी के? MIM पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलने की कोशिश करते हैं, ज़मीनी लेवल पे अपनी पहचान बनाने की इनकी कोई कोशिश ही नहीं है। और मैं ये चाहता था कि अगर हम अपोजिशन में हैं, हम अपोजिशन में हैं, और अपोजिशन में रहने के बाद सिर्फ कोई चीज़ को अपोजिंग करना यही इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है अपोजिशन में है तो आप कोई चीज़ को अपोज करो और आपका हक बनता है, लेकिन अपोज करने के बाद अगर कोई सिस्टम अगर उसको कंप्लीट होता है तो उसको
बल्कि ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों का काम करना चाहिए। वो पार्टी के अंदर उसके वो पार्टी में कोई चीज़ है ही नहीं, इसीलिए नहीं जुड़ता था कि ये लोग सिर्फ विरोध की पॉलिसी लेके चढ़ रहे थे। और मैं सिर्फ विरोध की पॉलिसी, मैं उसके खिलाफ नहीं, विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध की पॉलिसी कौन लेकर चल रहा था? ये जो MIM से जो संगठन है, MIM के जो लोग यहाँ जिम्मेदार बने हुए हैं, सिर्फ ये लोग विरोध की ही पॉलिसी लेके चढ़ रहे। शहर के विकास के ऊपर, शहर के काम के ऊपर इनको एक साथ आना चाहिए, शहर के जोड़ने के लिए शहर के सबको एक साथ आना चाहिए, वो पॉलिसी इनके अंदर है ही नहीं। अब एक बात और समझ में नहीं आ रही है, जब आप NCP छोड़े थे, MIM में गए थे, और MIM में जाते के साथ आपने जो है रो रो कर स्पीच दे रहे थे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ गद्दारी किया NCP ने, और अब फिर उसी पार्टी में जाकर आप जो शामिल हो गए। ये देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने रोने का मामला नहीं आता था। मैंने कई ऐसे वीडियो आपके थे, आपके कई ऐसे वीडियो थे। हाँ, कोई मैंने वीडियो का इसके अंदर मोनिट किया, मैंने मुझे मेरे काम के ऊपर मुझे भरोसा था। मैंने जो पार्टी छोड़ा हूँ, ये पार्टी के अंदर मेरा ये मकसद, मेरे पे भी कॉन्फिडेंस था, मैंने लोगों का काम किया था, मुझे अपने काम पे भरोसा था। जब आपके पास कॉन्फिडेंस था तो आप फिर MIM में क्यों गए? कोई ऑप्शन नहीं था, दूसरी कोई मुंबई के अंदर पार्टी नहीं है। विरोध में अगर कोई पार्टी है तो MIM पार्टी है, विरोध में कोई अगर पार्टी है तो MIM पार्टी है। और MIM पार्टी के अंदर जाने के बाद हम लोग ने परफॉर्मेंस किया था मेरे नाम पे, मैंने अपने नाम पे परफॉर्मेंस किया था, ठीक है, मेरे 400 वोट से मैं हार गया हूँ, लेकिन लोगों ने मेरे मोहब्बत, मेरे काम को देखकर मुझे वोट दिया था। हाँ, आज भी मेरे लोगों के अंदर मोहब्बत है, मैंने काम किया था, लोगों ने मेरे को इतना वोट दिया है, 6700 वोट मुझे लोगों ने दिया था। तो हारने की वजह क्या रही है आपकी? मेरे साथ जो लोग थे उसमें से एक दो लोग ऐसे थे कि जिसकी वजह से मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिला, इसकी हार हुई है, वरना मेरी जीत हो जाती। आप अपना फायदा चाह रहे हैं कि जो है कहां से आपको फायदा मिले, NCP में मिलेगा फायदा या MIM में मिलेगा, लेकिन MIM में आप अभी आपको फायदा नहीं दिखा तो आप जो है इधर चले आए। देखो फिरोज भाई, मैं पिछले 30-35 साल से समाज सेवक में लगा हूं, राजनीति तो मैं 10 साल पहले आया हूं। मेरा बचपन से शौक रहा है लोगों की खिदमत करना, और हमेशा मैं मस्जिद और मदरसे से जुड़ा रहा है। आज भी 2 मस्जिद का मैं ट्रस्टी में रहा हूँ, आज भी मैं उसके अंदर भी जुड़ा रहता हूँ। तो मेरा समाज सेवा करना मेरा बचपन से एक हॉबी रहा है, और मैं लोगों की खिदमत हमेशा करते रहा हूँ। मैं पार्टी में, राष्ट्रवादी पार्टी में रहा, तो मैंने जो काम करने के बाद मुझे जो ये, आप ये क्यों नहीं कहते जब आप राष्ट्रवादी में थे, राष्ट्रवादी से NCP में आए तो NCP की बुराई करने लगे, अभी आप जो है MIM से राष्ट्रवादी में गए तो अभी आप बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पे MIM है? ऐसा नहीं है, राष्ट्रवादी के अंदर में जाने के बाद में देखिए ऐसा होता है कि आदमी अगर कोई चीज काम करता है तो काम के बारे में बोलेगा, चाहे इसमें बोलेगा उसमें बोलेगा। तो अगर मैं राष्ट्रवादी में था तो MIM का मामला नहीं था, जब मैं राष्ट्रवादी छोड़ के MIM में आया तो मैंने पर्सनल बुराई नहीं किया, मैंने लोगों को अपनी मेरी काम की चीज बताया, मैंने काम बताया कि मैंने तो आपके सामने ये काम किया। नहीं, आपने काम तो साथ में गिनाया ही, लेकिन उसके उसी साथ में आपने ये भी कहा कि MIM में कोई मजबूत जो है मामला नहीं है, वहाँ पे संगठन मजबूत नहीं है, वो व्हाट्सएप पर विरोध करते हैं, आपने कहा। हाँ, ये आप, मैं बोल रहा हूँ, ये मैं तो MIM छोड़ने के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि MIM में मैंने जो 2.5 साल मेरा तीन साल जो मेरा बर्बाद हुआ है, अगर मैं ये मेरी गलती हुई, मैं मान रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी पार्टी छोड़कर मैं MIM में आया था, थोड़ा मैं बैठ कर बात कर सकता तो हो जाता था, लेकिन मैं आ गया। आने के बाद में मैंने आज एहसास होता हूँ कि आज अपने अल्लाह ने उतनी बड़ी सलाहत हमारे अंदर दी है कि जो हम लोग जमीनी लेवल पर बहुत लोगों तक काम कर सकते हैं। आपको भरोसा नहीं था NCP में कि आपको एक दिन आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, लेकिन मैंने छोड़ने के बाद में पार्टी में जब पार्टी में कोई रहता है आदमी भरोसे के साथ टिका हुआ रहता है ना। लेकिन मैं आज जो पार्टी छोड़ा उसके बारे में बता रहा हूँ ना कि मैंने क्यों छोड़ा, और पार्टी मेरे को भरोसा दी थी। लेकिन जो होता है, आदमी को जब काम करता है, लोगों की सेवा करता है, लोगों की उम्मीदें ज्यादा रहती है, और उम्मीदें ज्यादा के ऊपर आदमी अपना फैसला ले लेता है कभी कभी। घर वापसी करने का मकसद क्या है? आप जो है क्या चाहते हैं कि वापस से नगर सेवक बने, इसलिए आप जो है NCP में चले आए, क्योंकि MIM में बन नहीं सकते हो, आपको ऐसा नजर आया? आज मेरे इलाके के अंदर 3,500 लोगों की लिस्ट मेरे पास ऐसी आई है, सिर्फ मेरी पट्टी बहुत सारी आई है,
कि जिन लोगों के हेल्थ कार्ड जिसके अंदर उनके मोबाइल नंबर के साथ बिल्डिंग के नाम एड्रेस के साथ मेरे पास लिस्ट आई है, और उसके अंदर ऐसा है हेल्थ के अंदर कि हर आदमी को जिन लोगों के नाम आए हैं उनको हेल्थ कार्ड मिलेगा, तो उनको 5 लाख रुपए तक उनको फ्री ऑफ चार्ज उनको हॉस्पिटल मिलेगा। मैंने ये इरादा किया कि मैं अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी संगठन में जुड़ता हूँ, क्योंकि मेरे उनसे सबसे पुराने रिले ये मैंने देखा उनके साथ में रह के, शानू पटेल जैसा आज मैं उसकी तारीफ के अंदर उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, वाकई में आज वो इस इलाके के अंदर जो काम कर रहा है, जो उसके अंदर काम करने का हौसला है, जो उसके अंदर काम करने की एक बोलते ना चाहत है, मैं भी उसके साथ मिलकर काम करूंगा। तो जो मैं 10% काम कर रहा हूँ मैं 50% विरोध शानू पठान पे किए थे कि शानू पठान ने हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और शानू पठान तुम्हारे हर काम में बांधा डाल रहे थे, उस टाइम में आप जो है बुराई कर रहे थे, अभी आप तारीफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, तारीफ की मामला आज भी मेरा छोटा भाई है, और जब भी था जब भी मेरा उसका इतना रिलेशन में इख्तलाफात नहीं थे, साथ में रहने वाले जो लोग थोड़े कान फूकी हो जाती है, लोगों ने उससे भी भड़काया, मुझे भी भड़काया। कह रहे हैं कि आपके वो छोटे भाई हैं, लेकिन छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, आपको याद है पानी खाता पे आपसे झगड़ा हुआ था और उस टाइम जो है शानू पठान उठ गए थे आपको मारने के लिए। देखो भाई, तो आप एक तरफ उनकी तारीफ कर रहे हैं तो आपके साथ उन्होंने क्या किया? फिरोज भाई, जब दो आदमी जो आशिक होते हैं ना काम करने की, जिसके अंदर जिद होती है ना, हाँ, जैसा शानू पठान में काम करने की ये है शौक है, वैसा भी मेरे अंदर शौक है। जब दो आदमी शौक रहता है और जो आदमी कुछ काम के लिए दौड़ते हैं तो उसके अंदर टकराव होता ही ना, तो टकराव हमारा ज्यादा पर्सनैलिटी उनसे टकराव नहीं था, जो भी काम के ताल्लुक से हमारा टकराव हुआ था कि मेरा कहना था कि उनको टैंकर डालो, उनका कहना था उनको डालो। जब आप जब कह रहे कि मेरा उनका टकराव पर्सनल नहीं था, तो आप जो है उनसे मिल बैठकर जो है ये मामले को हल क्यों नहीं किया? आप MIM में क्यों गए फिर? अगर यही बात अगर हो जाती तो मैं पार्टी क्यों छोड़ता, लेकिन नहीं बैठ पाए हो गए आपस में एक तरह। आप बैठ गए? आप बैठे नहीं? हाँ, अब बैठे, मतलब अब टकराव जो होता था अब नहीं होगा? नहीं, हम टकराव भी होंगे तो आपस में बैठ के कर लेंगे। तो यही चीज पहले क्यों नहीं सोचे आप? नहीं, आप अगर टकराव भी हो, हमको काम करना है इलाके में, लोगों की सेवा करना है, लोगों की सेवा करने में अगर एक दूसरे पे सेवा करना है तो मेवा लेना है आपको? नहीं, सेवा नहीं कर, अरे मेवा की तरफ अगर जाते तो हम लोग ये बहुत करें, हमारे नहीं नहीं आपको कोई प्रस्ताव बहुत है हमारे। बेग साहब को जो है गुंजन सेठ जैसा जो है लॉलीपॉप दे दिया गया है, गुंजन सेठ जैसा पैसा लेके फरार हो गए, लोग आरोप लगा रहे, वैसा सेम आपको भी कुछ लॉलीपॉप दिया गया, आप जो है MIM छोड़ के NCP में आ गए, आपको कोई पॉकेट तो नहीं मिला? नहीं, मैं सिर्फ आया हूं, NCP ने पॉकेट तो नहीं दिया आपको? मैं सिर्फ जितेंद्र रावत के मोहब्बत में आया कि जिसके साथ मैंने 5 साल काम किया हूं, उसने शहर को कुछ दिया है, उसके मोहब्बत में मैं आया। बेग साहब, आप फिर कह रहे हैं कि जो जितेंद्र रावत के मोहब्बत में आप आए, तो ये 5 साल आपने काम किया था, 5 साल में आपने काफी अच्छी मोहब्बत आपसे जितेंद्र रावत में हुई, तो आपने जो है जाने से पहले जितेंद्र रावत से जो है एक बार मीटिंग किए थे? आप तो डायरेक्ट चले गए। नहीं किए थे ना, वो तो हमारी गलती हुई ना, हम लोग उनसे किए हैं, लेकिन वो उन्होंने भी मेरे को मिलने की पूरी कोशिश की थी, मैंने गलती में एक्सेप्ट किया हूं ना, मैंने उनको मिला नहीं हूं, लेकिन मेरा तो मोहब्बत आज उन्होंने जो मेरे को मोहब्बत 5 साल हमारे साथ में रहकर देखा, मैंने उनके काम से जो मेरे को लुत्फ मिला, जो काम लोगों का हो रहा था, शहर के लोगों का काम हो रहा था, तो इसलिए तो मैं उनके साथ में जुड़ा हूं ना। मतलब एक बात और यहां पर बताइए आप, बेग साहब, आपकी और NCP में क्या बातचीत हुई है जो आप जो है NCP में आए हैं? लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आपने भी पैसे लेकर NCP का दामन थाम लिया, घर वापसी कर लिया। आपको यही गवाही देंगे कि वो ऐसा सौदा हो नहीं सकता। ठीक है, मैंने अगर अवार्ड साहब से क्या बात किया है, मैंने आने का एंट्री में क्या बात किया है, वो कोई जब एक इलेक्शन का दौर है, आपने मेरे को सपोर्ट के लिए बोला है, मैंने उसको सपोर्ट कर दिया। बोला गया आपको भी जो है पैसे की कोई पॉकेट आपको दिया गया, पॉकेट दिया गया और आप जो है इधर चले आए? कोई पैसे का कोई पॉकेट नहीं दिया गया। हाँ। पैसे के लिए हम लोग काम नहीं करते, हमारा काम का मकसद बहुत बड़ा है। क्या फिर बात क्या हुई अंदरूनी बात क्या हुई है? बात अंदरूनी आपकी और जो है NCP में बात क्या हुई है, क्या तय हुआ है? कुछ नहीं, उनका भी ये कहना था कि आप जैसे सलायत लोग हमारे साथ में चाहिए जो जमीनी हकीकत पे काम करते हैं, अगर आपके हमारे साथ में रहेंगे तो हमारे पार्टी को भी होगा
और आप रहेंगे तो आपकी खिदमत को भी लोगों को फायदा होगा, ये बुनियाद पे मैं आया हूँ। अब उनको समझ में आया कि मेरा नैया डामाडोल हो रही है, तो वो जो है अब आपको मनाने में लगे हैं, लेकिन आप खुल के नहीं बोल रहे हैं कि क्या बातचीत हुई है अंदरूनी। नितिन अवार्ड ने लोगों के दिल में जगह बनाया है, उसने काम किया है शहर के लिए, शहर को एक सजाया। तो आप इसी बात को लेकर कुछ भी नहीं, आप मेरा एक भी स्टेटमेंट उठा के नहीं दे सकते कि मैंने जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ पूरे ढाई तीन साल के अंदर कुछ बोला हो। मैं समझता हूँ कि मैं अगर आपको वीडियो दिखा दूं, हाँ, उनके खिलाफ आप जिस टाइम आप जो है MIM छोड़े थे उस टाइम आपने कितना विरोध किया था, मेरे पास आज भी वो वीडियो है, रोते हुए आज भी है, आप रोते रोते लोगों को बताया है। मैंने एक बात सुन लो पहले, जब भी विरोध नहीं किया, मैंने ये बताया कि मैंने पार्टी छोड़ा हूँ, ठीक है, दो तीन चीजें हमारे इख्तलाफात थी वही मैंने बताया, बाकी का कोई इख्तलाफात था ही नहीं ना। तो वही चीज आप आज बताइए लोगों को कि क्या आपकी और उनके बीच में क्या बात हुई, क्या सौदा हुई है कि जो आप फिर से घर वापसी किए, वही चीज आप बताइए। सौदा नहीं है मेरे को, लोग उन्होंने मोहब्बत, उनको ये मालूम है मुमरा से कि बेग साहब भी जमीनी लेवल का लोगों का काम करता हूँ, लोगों के दिल के अंदर इसकी मोहब्बत है और वो काम करता है और वो जमीनी लेवल पे है। अगर ये आदमी हमारे पार्टी से जुड़ेगा तो हमारे पार्टी के अंदर भी अच्छा होगा और बेग साहब का भी खिदमत लोगों को मिलेगी। चलिए आप बोलिए, 5 साल आप नगर सेवक का मतलब आपकी पत्नी रही हैं, तो 5 सालों में आपने क्या किया है आपके वार्डों में? देखिए, मैंने 5 साल के अंदर जो भी मैंने किया है ना, वो 5 साल के अंदर मेरे लोगों का आप वार्ड के अंदर जाके पूछ सकते लोगों को कि मैंने वार्ड के लोगों को क्या दिया। हम दोनों शानू पटा लोग साथ में रहते थे, साथ में हम लोग ने फाइल को काम को आगे बढ़ाए, तो ऐसा नहीं कि मैं 5 साल कहते थे, आप तो ये भी कहते थे कि काम मैं करता था, शानू पठान जाके नारियल फोड़ देते थे। नहीं नहीं, कुछ देखो जो काम है ना, और शानू पठान कभी चूक गए तो अवार्ड साहब नारियल फोड़ देते थे। ऐसा नहीं है कि दोनों, एक दो मरतबा ऐसा भी हुआ है, होता है, मैं उसको अगर उसको इतफाक था ही है कि उन्होंने कभी आके फोड़ डाला होगा, हो सकता है कि काम है इसलिए फोड़ दिया होगा, लेकिन इख्तलाफात थोड़े हुए उसके बाद वजह से मामला भी। आज आप क्लियर कर दीजिए इस बात को, जो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप भी गुंजन सेठ की तरह पॉकेट ले लिया है और MIM छोड़ के NCP में चले आए हैं, ये चीज़ को आप क्लियर बताइए लोगों को, लोग जानना चाहते हैं कि बेग साहब अचानक MIM छोड़ के NCP में क्यों आए। देखिए, एक बात मैं समझ अच्छे तरीके से आप फरीद भाई समझ लो कि मैंने पार्टी सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए छोड़ा हूँ। मैंने को मेरा जो हौसला है, मेरे को जो हौसला पार्टी लेवल पे मिलना चाहिए था काम करने के अंदर, मेरे को इधर से नहीं मिल रहा था, और मैं चाहता था कि मेरे जो अपने जितनी मेरी तंदुरुस्ती सेहत है और जो मेरे अंदर जो सलाहियत है, मैं एक एक घर तक मेरे काम को पहुंचाऊंगा, तो उसके लिए मेरे को संगठन और अच्छे लोगों की जरूरत है, इसलिए मैं ये पार्टी से जुड़ा हूँ। बहुत सारी बातें की, लेकिन आप देखते रहिए इसी तरह से हर संडे हमारी ये एपिसोड प्रहार टाइम्स का आमने सामने देखना ना भूले, और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।